तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आशीष दमांजी में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे, है ना। और आज ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा बात करेंगे हम लोग अपने टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है वो है माइंडसेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। तो जैसा कि मैं लगभग पिछले एक या दो महीने से लोगों से मिल पा रहा था, अनेक नए लोगों से मिल पा रहा था, तो मैं उनका माइंडसेट देख पा रहा था। और आज जैसा मैं बता रहा हूँ माइंडसेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आज से लगभग एक दो महीने पहले जिन लोगों से मैं मिला था, उन लोगों का मैंने माइंडसेट, मैं उनसे मिला, उनके बारे में जाना, तो उन लोगों का एक माइंडसेट जो था वो अलग ही लेवल का था, है ना। तो है ना, जिसे मैं अब मैं जिस उम्र में हूँ तो उसी तरीके के लोगों से मिलता हूँ। तो मैं क्या देख पा रहा था उनमें कि उनको मैं कोई चीज़ बताता था या कुछ भी बताऊँ तो अब वो किसी दूसरी फील्ड में है। मान लेते हैं जैसे कि मैं उनको खुद एग्जाम्पल बताता हूँ कि भाई अगर आपके पेट में दर्द है तो आप किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास। तो वो खुद बोलता था कि भाई डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वो करते क्या है कि इंजीनियर के पास ले जाते हैं। अब भाई पेट में दर्द लेके इंजीनियर के पास चले जाओगे तो वो आपको ठीक करने वाली तो दवा देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन कैसी दवा देगा, पेट ठीक होने की बजाय और ज़्यादा ठीक हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा था, लेकिन वो लोग क्या हैं आज उनको बताओ, वो बोलते भाई मैं ही इंजीनियर हूँ, मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मुझे सब पता है, सब कुछ मुझे पता है। लेकिन पता क्या है उनको, कुछ नहीं। अगर पता होता तो भाई यहाँ क्यों बैठे होते आप, है ना। तो मैं जैसा कि आज बता रहा था कि माइंडसेट, तो लोगों का जो जितना मैंने देखा है कि उनको सब पता है लेकिन उनको कुछ नहीं पता है, तो माइंडसेट लेके घूम रहे हैं कि भाई मुझे सब पता है। तो भाई अपने इट्स माइंडसेट को चेंज करो, है ना। कि जैसे कि मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ और लोग सुनते हैं, पहली बार सुनते हैं, मैं एक दो घंटे बताता हूँ, चीज़ें सुनते हैं, फिर बाद में बताता हूँ भाई उसके आगे भी कुछ चीज़ें बची थी वो बतानी है, तो बोलते हैं अरे भाई मुझे सब पता है, मुझे सब आता है भाई, जो तुम बताना चाहते हो वो भी मुझे पता है, जो नहीं बताना चाहते वो भी मुझे पता है। इतने लोगों को मैं मिला हूँ तो उन लोगों को मैंने बताया, तो वो कभी कभी मुझे अंदर से हंसी आती है, पर अब भाई उनको सब पता है तो अब उनके सामने तो हंस नहीं सकता ना, तो क्या करता हूँ, मतलब कुछ ठीक भाई तुम्हें सब पता है, बहुत अच्छी बात, अच्छा भाई ये बताओ क्या होता है, उसी मतलब जिसके बारे में मैं पूछता हूँ भाई ये क्या होता है, तो खुद पता, मतलब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, है ना। तो मतलब आज जो मेरा मतलब था बोलना, तो उस तरीके का मैंने नहीं बताया है। हाँ, सातवां आठवां वीडियो है मेरा, अब धीरे धीरे करके सुधार ला रहा हूँ, है ना, तो करते करते आ जाएगा। तो आज हम लोग थोड़ा मतलब थोड़ा बता पाया है, ये वीडियो मतलब उन लोगों के लिए है जिनको मैंने थोड़ी नॉलेज दी है, मैंने थोड़ा बताया है, लेकिन वो उनको सब पता हो गया है ना। तो भाई अगर सब पता है तो ठीक है, अगर देखो सब तो नहीं पता हो सकता है ना, सब तो आज जो बिल गेट्स से चार घंटे पढ़ता है उसको भी सब नहीं पता हो पाया, जो दुनिया का नंबर वन अमीर इंसान बनकर बैठा है। तो सब पता करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई सब पता है, सब पता है, सब पता है कर करके वहीं पे रहो, उसी लेवल पे हो जहाँ पे आज। तो कोशिश या फिर तो कुछ ऐसा करो कि किसी भी चीज़ की पूरी नॉलेज रखो, कोशिश करो कि सेटिस्फाई नॉलेज हो जाए। अब कुछ लोग होते हैं उनको पता कुछ नहीं होता है, लेकिन पता है सब, हाँ भाई मेरे को इस बारे में सब पता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है और इसमें ये होता है, बस बस भाई इसमें क्या तुमको पता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था तो यहीं पे ख़त्म होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब जैसे कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में बात करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके जरूर।